बारिश का मौसम आ गया है और काले चमकीले जामुन देख के गर्भवती माता को ये जामुन खाने का बहुत मन होता है, क्योंकि होते भी इतने मीठे और रसीले होते हैं। लेकिन घर के मेंबर्स बोलते हैं कि काला जामुन खाने से बच्चा काला आता है। क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं गर्भावस्था में काले जामुन क्यों खाने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं और उसकी क्या केयर करनी है। सबसे पहले काले जामुन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काले जामुन जो है उसमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पाचन को सुधार करते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो प्रेग्नेंट मदर को इम्यूनिटी देती है एवं बच्चे को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। उसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पॉजिटिव आयन सप्लीमेंट्स होते हैं जो मदर के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। काले जामुन ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की संभावना भी कम हो जाती है, और अगर मदर का शुगर हाई है तो उसको शुगर कंट्रोल में करने में भी काले जामुन सहायता करते हैं। ये बेनिफिट सुनने का मतलब ये नहीं है कि अब आप बाउल्स भर के काले जामुन खाना शुरू कर दो। अति सर्वत्र वर्जते। जामुन की ये पॉजिटिव प्रॉपर्टी के साथ उसकी तासीर थोड़ी गर्म है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पित्त इम्बैलेंस हो सकता है। तो प्रेग्नेंट मदर कितने जामुन खा सकते हैं? अगर आप छोटे वाले जामुन चूज़ कर रहे हैं तो आप 15 से 16 तक आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े वाले जामुन आप ले रहे हो तो आप 10 से 12 तक ही लें। अगर ये आप जामुन खा रहे हो और अगर आपको श्रद्धा है कि ये जामुन खाने से मेरा बच्चा काला नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चे का जो कलर है वो हेरिडिटरी है, जीनेटिक है, कुछ खाने के साथ बच्चे के कलर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर ये मिथ से आप ऊपर उठ के आराम से जामुन खा रहे हो, आप बिल्कुल इतनी मात्रा में खा सकते हो। लेकिन कई मदर्स जामुन भी खा रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में डर भी है कि मैं तो खा तो रही हूँ लेकिन जामुन खाने से मेरे बच्चे की स्किन पे काले धब्बे हुए। तो जामुन डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डर है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे पे हो सकता है। तो अगर खा रहे हो तो विश्वास के साथ खाए कि उसका आपके बच्चे के स्किन कलर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डर है तो आप अवॉइड करें, राइट? काले जामुन खाने में एक केयर करनी है। आजकल जो शॉपकीपर्स है या तो वेंडर्स है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ ऑयल्स यूज़ करते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं होते हैं, ताकि वो चमकीले और फ्रेश दिखे। तो आप जब भी जामुन यूज़ करते हैं पहले उसे गर्म पानी से वॉश करें, उसके बाद उसमें नमक डाल के कुछ देर तक उसे रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से धो के उसके बाद आप उसका उपयोग करें, राइट? आप जामुन एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी उसका टेस्ट एंजॉय करवा सकते हैं और इस मॉनसून की सीज़न को हर एक गर्भवती माता खिल के एंजॉय करे, ताकि उसका बच्चा भी जैसे मॉनसून में प्रकृति खिल रही है वैसे वो भी अंदर खिले और बहुत उत्साही बच्चा जन्म ले आपके द्वारा। आपकी गर्भावस्था स्वस्थ रहे। एंजॉय योर मॉनसून विथ योर वूम चाइल्ड। थैंक यू।